जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 7 में, आपको डिटेल में समझाया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके, आज हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। और ये एग्जाम के हवाले से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी आ सकती है, ठीक है। और जो है ना आपका एमपीके का जो टेस्ट होता है उसके बेटा हवाले से भी इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइडिया हो गया आपको बेटा? अभी हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। जी देखिएगा, थ्री फंक्शंस हैं, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स है क्योंकि आपके बोर्ड में 2 2 मार्क्स ही शॉर्ट होते हैं। एक तो ये बेटा लॉन्ग में आ सकते हैं 4 5 मार्क्स का, और दूसरा ये कोई भी आप से पूछा जा सकता है। व्हाट अबाउट अल्ट्राफिल्ट्रेशन, 2 मार्क्स का पूछ सकते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सेक्रीशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स का पूछ सकते हैं। तो ये सारा आपने साथ साथ समझना है। या 2 मार्क्स की पूछ सकते हैं फिल्ट्रेट की कंपोजिशन। ओके, ये बेटा आपको स्टार्ट में नेचर बताई मैंने क्वेश्चन के रेफरेंस से। पहला फंक्शन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? हाई फिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉमन कैप्सूल। एक तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन कौन से पार्ट में होता है। फिर क्वेश्चन है, आपने सोचना है कि व्हाई दिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन ओनली टेक्स प्लेस इन द बॉमन कैप्सूल, वाई नॉट इन द अदर पार्ट। उसकी वजह ये है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोमेरुलस। ये जो बॉमन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, दैट इज रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दैट अ क्रिस्टल ऑफ कैपिलरीज या नॉट ऑफ कैपिलरीज। एंड वाई दिस प्रोसेस, दिस सजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉमन कैप्सूल, इन द ग्लोमेरुलस। उसका जो मेन रीजन है वो है द कैपिलरीज, या जो ग्लोमेरुलस का हमने नाम दिया, दीज आर हाईली पोरस। ये बहुत ज्यादा पोरस होती है। जब यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे छानी होती है ना, वहां फिल्टर होता है। तो यहाँ पर जो है ब्लड फिल्टर होता है और यहाँ पर सारा इकट्ठा हो जाता है फिल्ट्रेट, ठीक है। और ये दूसरी वजह इसकी ये है कि ये इस जगह क्यों होता है, क्योंकि ये इंटरमिंगल होती है, बहुत ज्यादा डेंस क्लस्टर होता है कैपिलरीज का। तो अ लिटिल फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर कैन कॉज फिल्ट्रेशन। जरा सा यहाँ प्रेशर बनता है तो एकदम से ब्लड में से जो कॉन्टेंट्स हैं, जो एब्जॉर्ब यहाँ पे जो फिल्टर होंगे, वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। आइडिया आपको हो गया? अब देखो, ये वाला फिल्ट्रेट ऐसे ऐसा मूव करेगा, जब ये यहां जाएगा इस जगह पे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस जगह पर एक हार्मोनिक करता है इंसुलिन, ठीक है। यहां पर इस पार्ट पर, जो कि मैं पहले आपको बढ़ा चुका हूं, प्रॉक्सिमल कन्वेटिव ट्यूब्यूल, इस पार्ट पर इंसुलिन हार्मोनिक करेगा। आपको आइडिया होना चाहिए, जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो इंसुलिन है वो थोड़ा सा यहाँ यूज होगा, वो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसको यूज करेगी टू मेक एटीपी। और फिर उस एटीपी की मौजूदगी में जो फिल्ट्रेट यहाँ आया, वैसे ये जो फिल्ट्रेट सारा आया है, ठीक है, ये सारा यूरिन में तो पास नहीं होगा, वेस्ट तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 80% जो है यूरिन वो इस जगह पर वापस चला जाएगा। लेकिन ये भी पॉइंट अगेन इस पर बात करूंगा, उससे पहले यहां पे हम अगेन बात करेंगे, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है तो उसमें क्या क्या चीजें यहाँ फिल्टर होती है और कौन सी चीजें जो है वो फिल्टर नहीं होती। तो यहाँ आ जाए, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। इसे बेटा फिल्ट्रेट भी बोल सकते हो सिंपली, या इसको बोलते हैं जीएफ या बीएफ। जीएफ मीन गर्लफ्रेंड, बी एफ मीन बॉयफ्रेंड। इसका मतलब ये नहीं, वैसे जस्ट फनी वे बता रहा हूँ। जी एफ मीन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट,
and BS means Bowman filtrate. Yes, simply up kehlo, that is filtrate. So what is the composition of filtrate? इस फिल्टेट में सारा मैंने पॉइंट्स लिखे हुए आप देख लीजिएगा. दिस फिल्टेट कंटेन्स ग्लूकोज वाटर अमाइनोसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स हार्मोन्स कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट्स. ये इसमें सारा आ जाएगा फिल्टेट के अंदर. अब कौन सी चीजें हैं ब्लड की जो फिल्टेट नहीं होती? वो है प्रोटीन्स एंड आरबीसीज. मीन द आरबीसीज एंड प्रोटीन्स नेवर एंटर इनटू द फिल्टेट. आइडिया हो गया, पहला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड है बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. यहाँ आ जाइए, देखो ये फिल्ट्रेट जब यहाँ मूव कर गएगा तो इस जगह पर मैंने सारा समझा दिया कौन सा प्रोसेस होगा. एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में अब जरा इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतने वैल्यूएबल कॉन्टेंट्स हैं जो कि बहुत जरूरी है ब्लड के लिए और बॉडी में, तो वो वेस्ट तो नहीं होंगे यूरिन में. इसलिए सेकंड फंक्शन क्या होता है? एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, यानी वो कुछ जो यहां सारा फिल्टेट में फिल्टर हुआ उसमें से 80% वापस ब्लड में चला जाता है. यहां इसके होती है कैपिलरीज, ठीक है, तो 80% फिल्टेट बैक इनटू ब्लड कैपिलरीज. अच्छा बेटा ये ठीक है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इससे पहले कैपिलरीज से पहले यहां सेल्स होते हैं ना, उन सेल के बीच में स्पेसिस होती है, वहां पर होते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड. बुक में लिखा हुआ वर्ड आपको पता होना चाहिए, इंटरस्टीशियल फ्लूइड. मतलब क्या होगा, इन ट्यूब्यूल्स में से ये सारा जो 80% जो ग्लूकोज है, वाटर है, जो यूजफुल चीजें हैं, सारी साल्ट है, वो पहले इन स्पेसिस में जाएगा. इन स्पेसिस में जो फ्लूइड, इसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टीशियल फ्लूइड बोलेंगे. और यहां से फिर वो इंटरस्टीशियल फ्लूइड से कहां जाएगा? ब्लड में, ठीक है ना. ये लिखिएगा यहां कैपिलरी से यहां से यहां जाएगा इंटरस्टीशियल फ्लूइड में, फिर उसको ले लेगा ब्लड. और ब्लड आपको पता है इस पर आइडिया है कि पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, तो जहां जहां वो चीजें जरूरत पड़ेंगी वहां वहां यूज होंगे. आपको पता है हमारे बहुत से प्रोसेस में साल्ट यूज होते हैं, वाटर बहुत जरूरी है, ग्लूकोज बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल हो जाएंगी. अच्छा अब बेटा जब यहाँ एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाती है ना, तो जो रिमेनिंग जो फिल्टर बचता है ना, वो यहाँ से बेटा मूव करता है, यहाँ आता है डिसेंडिंग में, यहाँ आता है सेंडिंग में ना. आपको बताया था यहाँ वाटर जो है वो निकल सकता है, यहाँ पर बताया था आपको मैंने, यहाँ वाटर इस ट्यूब से वाटर नहीं निकलता, लेकिन यहाँ से बेटा क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड. क्या निकलता है बेटा? सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर जाता है. एक्सक्यूज मी, ठीक है, क्या बेटा जाता है? सोडियम क्लोराइड. अब आपने समझना है यहाँ पे ये पॉइंट मैंने शायद समझाया था आपको, आप फिर बता देता हूँ बेटा. ये लिखिएगा यहाँ से वाटर परमिएबल होती है, ये जो डिसेंडिंग लिम है, डिसेंडिंग लिम बेटा परमिएबल होती है, यहाँ से जो है वाटर जो बेटा रिलीज होते हैं, लेकिन ये जो है दिस इज नॉट परमिएबल टू वाटर, ठीक है, इसमें से क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड. स्पेशली बुक में लिखा है सोडियम ना, सोडियम क्लोराइड निकलता है बेटा, पता होना चाहिए आपको. यहाँ पे बताऊंगा मैं कौन सा एमसीक्यूज में आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो हार्मोनिक होगा, वो भी समझाऊंगा. एल्डोस्टेरोन हार्मोनिक करेगा, ठीक है. अब बेटा देखो यहाँ से जब जाएगा ना सारा वो फिल्टरेट बेटा, ये मजीद कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, यहाँ पर फिर चेक होगा. यहाँ पे आपको पहले समझा चुका हूँ ये जो है जिससे फिल्टर ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, सारा समझा चुका हूँ बेटा. यहाँ पर हार्मोनिक करेगा एडीएच. एडीएच का बेटा दूसरा नाम क्या है? वैजो प्रेशन बेटा, ये इस पे हम बात करेंगे, ठीक है, इस हार्मोन की और देन एल्डोस्टेरोन की, कि ये कहाँ एक्ट करता है जी, ये हम बाद में बात करेंगे. अब यहाँ पे आ जाए एक्टिव में समझा दिया. थर्ड आ जाए ट्यूबुलर सिक्रीशन. जी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबुलर सिक्रीशन मीन सिक्रीशन. होता क्या है, इन पूरी ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जो अंदर जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, वो एपिथेलियल क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोजन एंड अमोनिया. ये जो आयंस प्रोड्यूस होंगे हाइड्रोजन पोटेशियम एंड अमोनिया, ये बेटा स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ये अंदर जो फ्लूड है उसमें ऐड होंगे, जस्ट टू मेंटेन द पीएच ऑफ द यूरिन, ताकि यूरिन की पीएच को मेंटेन किया जाए. और साथ साथ जो एक्सचेंज होती है ना, साथ साथ जो कैपिलरीज है वहां पर पीएच मेंटेन हो रही है. आपको पता है ब्लड की पीएच भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, और यूरिन की अपनी स्पेसिफिक पीएच है. यूरिन की जो पीएच है बेटा वो 4.7 से 8.5 रेंज होती है, ठीक है, और जो ब्लड की पीएच है ये 7.2 से 7.4 होती है रेंज, ठीक है. ये आपको बेटा
एमडी कैट में टेस्ट में काम आ सकता है, ठीक हो गया। तो ये बेटा तीनों फंक्शन समझा दिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बता चुका एग्जाम के हवाले से, ये आपको सारा समझ आ गया। अब हम देखेंगे यूरिन की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन। जी यानी यूरिन जो है, जो हम यूरिन पास करते हैं, यूरिनेशन का प्रोसेस करते हैं, यूरिन बेटा डायल्यूट भी होता है और कंसंट्रेट भी होता है। तो बेटा मैकेनिज्म में दो फैक्टर्स हैं, अगर ये शॉर्ट में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। द टू फैक्टर्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, पहला है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जी अब ये देखिएगा जरा, देखो ये आप इसको ले लो या इसको, किसी एक लिम्ब को ले लो, किसी एक चेक करो, ये देखो ये यूरिन की फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है वो है ब्लड की। ये देखो ये फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है ब्लड की, इन नालियों में ना। ये जो फिनोमेना से बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब ये मैंने यहां लिखा भी है, मैं बोल भी देता हूँ, आप सुन लें, ये सारा मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक है जी। व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर? इट इज एन एक्टिव सेक्रेशन सिस्टम वेयर टू फ्लूइड्स रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए वेयर टू फ्लूइड्स रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, देखो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल टेक्स प्लेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन वन एंड लेवल फॉल्स इन अदर। देखिएगा ये देखिए बेटा, यहां देखिए ये डायरेक्शन इसकी, ये डायरेक्शन ब्लड की, फ्लूड रन की, आपस में चेंज होता है। ये देखिए ब्लड से यूरिया जो है वो एक ट्यूब में आएगा और ट्यूब इनमें जाएगा कैपिलरीज में। देखिएगा जब यहां चेंज होगी जो है वो ट्यूब में आ रही है और ट्यूब में यूरिया का लेवल बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में, इट इज एन एक्टिव सिक्रेशन सिस्टम वेयर टू फ्लूइड्स रन इन अप एंड एज अ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, यानी ये एक्सचेंज के रिजल्ट में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस राइजेस प्रोग्रेसिवली इन वन एंड लेवल प्रोग्रेसिवली इन द अदर। ये देखिए सारा मैंने वहां लिखा भी हुआ है, ये सारा एक भी लेवल भर जाएगा एक भी कम हो जाएगा। अब देखिए कोर्स को आप उसे देखते हैं, अब यहाँ ब्लड आ रहे हैं कैपिलरी ब्लड ज्यादा होगा और यहाँ ट्यूब से ब्लड वाटर निकल के ब्लड में जा रहे हैं तो ट्यूब में वाटर कम और कैपिलरी में जो वाटर का लेवल है वो भर जाएगा। ये सारा आप देख सकते हो, ये सारा पढ़ लीजिएगा ओके। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर काउंटर करंट मल्टीप्लायर का फिनोमेना ना हो, एक्सचेंज ना हो, तो यूरिन कंसंट्रेशन में फर्क पड़ जाएगा, मैकेनिज्म सही तौर पर नहीं होगा। सेकंड फंक्शन के हार्मोन्स इन्वॉल्वमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू हार्मोन्स हैं जो यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है एडीएच, ये देखिएगा शबश वेजोप्रेशन, पता होना चाहिए दूसरा नाम भी, एडीएच इज आल्सो कॉल्ड वेजोप्रेशन। अब एडीएच का मतलब क्या है, ये किसकी अब्रिविएशन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच है, इसे बोलते हैं एंटी डाय, ठीक है। अब नोट कीजिएगा, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है या जिसको वेजोप्रेशन कहा जाता है, ये कहां एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एट द डिस्टल कम्युनिटी ब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, क्यों, ताकि जो यहां से फिल्ट्रेट जाएगा थ्रू यूरिन पास करेगा उसको चेक किया जाए, अगर तो पानी बॉडी में कम है तो ये पानी को यहां पे एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर पानी बॉडी में ज्यादा है तो फिर पानी को जाने देगा, ठीक हो गया। तो ये किसका फंक्शन, ये कौन सा हार्मोन है, दैट इज एडीएच या वेजोप्रेशन। अब समझना ये है कब वेजोप्रेशन एडीएच ज्यादा प्रोड्यूस होगा और कब कम होगा। जी जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी होगा, ठीक है, फिर नो नीड टू प्रोड्यूस द एडीएच, फिर हमारे ब्रेन से ये जो हमारे ना जो हमारा है ना पिट्यूटरी ग्लैंड उसके पोस्टीरियर लोब से ये हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा एडीएच। बेटा इसका मतलब जब बॉडी में पानी ज्यादा होगा तो लो या ना होने के बराबर जो है वो एडीएच प्रोड्यूस होगा, जब एडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा तो यहां से जो वाटर होगा यहां पर
वो बैक इनटू कैप्सिस नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा? यूरिन में। यूरिन कैसे होगा? डाइल्यूट। बहुत ज्यादा पानी होगा तो यूरिन कैसे होगा? डाइल्यूट यूरिन। अब फर्क क्या, हमारी बॉडी में पानी की मिकदार कम है, अब जहर है, पानी कम है तो फिर ज्यादा पानी तो हमारा वेस्ट ही होना चाहिए। अब क्या होगा, ब्रेन को इंडिकेशन जाएगी, पूरी बॉडी में रिसेप्टर लगे हुए हैं, ब्रेन को मैसेज आएगा पिच ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से, एक्शन होगा, वहां से एडीएच हार्मोन रिलीज होगा, वो इन पार्ट पे करेगा, यहाँ पर जो कैपिलरीज है उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, और जो जैसे जैसे फिल्टर गुजरेगा, फिल्टरेट जो गुजरेगा उसमें से वाटर को वो बैक कैपिलरीज में अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो पानी सारा वापस चला जाएगा कैपिलरीज में, और जो फिल्टरेट होगा वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट हो जाएगा, यानी यूरिन है वो हो जाएगा कंसेंट्रेटेड, यानी उसमें पानी बहुत कम होगा, दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रेटेड यूरिन। आइडिया हो गया इसका? एक इसको मतलब हार्मोन का भी इंपॉर्टेंट रोल है टू मेक द कंसेंट्रेशन ऑफ द यूरिन, इसलिए बताया था यहाँ मैकेनिज्म की। अब सेकंड बेटा एल्डोस्टेरोन, यहाँ आ जाए, ये देखिए ये स्कूल में आ सकते हैं कि वेयर एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनली, तो आपका जवाब होना चाहिए दैट इज असेंडिंग लिम्ब। बेटा इस असेंडिंग लिम्ब पर, इस असेंडिंग लिम्ब पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक्ट करता है। ये कहाँ से आते हैं? एल्डोस्टेरोन जो है ये आता है हमारे किडनी के टॉप पर, मैं पढ़ा चुका हूँ, एक ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड, वहां से हार्मोन रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन, वो यहाँ एक्ट करेगा, तो यहाँ से ट्यूब्यूल में से जो साल्ट है ना, बजाय कि वो जाया हो जाए यूरिन में, वो वापस ब्लड में यहाँ पर यहाँ पे अब्सॉर्ब हो जाता है, इस तरह पहले यहाँ पे जाता है इंटरस्टीशियल में, वहां से ब्लड कैपिलरीज में, इस तरह साल्ट हमारे वापस ब्लड में चला जाता है, सेव हो जाता है, तो ये भी जरूरी है। इसका मतलब काउंटर मल्टीप्लायर एंड हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ओके, आई होप बेटा आप सबको ये फिनोमेना फंक्शन सकते तो पहले पढ़ा चुका हूँ, सारा ये आइडिया हो गया, समझ गए, फिर भी यू वेलकम आप व्हाट्स थ्रू और भी इसके अलावा भी आप मैसेज कर सकते हो एनी टाइम, यू कैन एस्क। ठीक है, चलिए बेटा अब हम बात करेंगे, ये सारा फिनोमेना हो गया, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है, एक दो पॉइंट्स हैं, किडनी एज ऑस्मोलिटी आज दिन लिखा हुआ है, फिर किडनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ टर्म्स हैं, देन डायलिसिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, और अभी कोशिश करता हूँ मैं कुछ थोड़ा सा और पढ़ा दूँ। ठीक है, किडनी एज ऑस्मो रिलेटरी ऑर्गन, अभी हमने बात की कि क्या हुआ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, किडनी का रोल हमने बात करी, किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। अब हम बात करेंगे किडनी प्रॉब्लम से, किडनी प्रॉब्लम्स जी, क्योंकि कुछ टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है आपको समझाता हूँ, कुछ टर्म्स लिखिएगा, किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम क्या है? रीनल प्रॉब्लम, रीनल फेलियर, अगर किडनी में प्रॉब्लम हो जाए देन डायलिसिस भी जाना पड़ता है, उसके लिए हम देखेंगे किडनी प्रॉब्लम में स्टम्स हैं, ये आपने समझना है, किडनी प्रॉब्लम में हाइपर कैलिसीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर ऑक्सिल यूरिया। ठीक है, ये लिखने हैं फिर टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन से, टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, वन कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, किडनी स्टोन बन जाते हैं। नंबर टू कैल्शियम फॉस्फेट टाइप के स्टोन बनते हैं। नंबर थर्ड यूरिक एसिड, ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू वाले से, मैं समझाता हूँ जी। मेरा किडनी प्रॉब्लम्स में कुछ काजेज हैं, अगर ये काजेज हो जाए
तो किडनी में प्रॉब्लम आते हैं, किडनी में स्टोन बन जाती है, ठीक है, और जो है रिनल फेल हो जाता है, रिनल का मतलब होता है किडनी ना, किडनी फेल हो जाती है जी। बेटा टर्म देखिएगा, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया ये वर्ड है, सीमिया मतलब ब्लड, हाइपर का मतलब हाई, हाइपर का मतलब होता है हाई, हाई लेवल ऑफ व्हाट, कैल्शियम इन ब्लड, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, या बुक में लिखा हुआ है हाई कैल्शियम लेवल सर्कुलेट इन ब्लड, ठीक है। बात ये की है हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड का हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्शियम यूरिया, यूरिन मतलब है यूरिन में, ये क्या कैल्शियम, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन इज कॉल्ड हाइपर कैल्सी यूरिया, हाइपर ऑक्सल यूरिया, ऑक्सलेट्स यूरिया मीन यूरिन में, हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स इन यूरिया इज कॉल्ड हाइपर ऑक्सल यूरिया। बेटा ये जो सारे हैं अगर इनका लेवल भर जाए तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसिव टाइम किडनी स्टोन बन जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली हर शख्स में किडनी स्टोन छोटे बनते रहते हैं, वो वॉश होते रहते हैं, बट कुछ में डाइट सही न रखी जाए तो किडनी स्टोन बड़े बन सकते हैं। गाल बाल जो होते हैं ना उतना बड़ा साइज का भी किडनी स्टोन बन जाते हैं, मतलब 0.2 मिलीमीटर से लेके बड़े साइज तक भी बचते हैं, गोल्फ बाल जो होता है ना उस जितने साइज का भी बन सकता है। अब बेटा जो किडनी स्टोन सामने आए हैं ना उनकी नेचर पे बात करते हैं। बेटा एक किडनी स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप का, यानी हर 100 पेशेंट में से कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन जो है वो 70% लोगों में होते हैं, ठीक है, यानी 70% लोगों में कौन से स्टोन बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के। अब ऑक्सलेट की बात करूंगा, ऑक्सलेट कहाँ से आते हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल से, जो स्पाइनिच है, पालक है, ठीक है ना, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है यहाँ से सोर्स का, टोमेटोज हैं, टोमेटोज का भी, टोमेटोज से भी ऑक्सलेट्स होते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये जो इस तरह के स्टोन लोगों को पाएगी वो है 15%, ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट के जो स्टोन फाइंड हुए लोगों में वो है 15%, और सबसे कम 10% है, ठीक है ना, कुछ 5% और भी हैं, होते हैं मैग्नीशियम टाइप के भी कुछ कंपाउंड इस तरह से। यूरिक एसिड के बेटा जो बनते हैं किडनी स्टोन वो है 10%, बाकी 5% में कुछ और भी हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट नेचर के हैं। चलिए बेटा ये एमसीक्यू के वाले से आपने सारा समझना है, ठीक है, फेलियर हो जाता है, ठीक है, किडनी फेलियर, ये इसको बोलते हैं रीनल फेलियर जी। बेटा अगर किडनी फेल हो जाए, रीनल फेलियर हो जाए तो जरा, लेकिन ये इसकी दिखते हैं कि क्या वजह, किडनी फेलियर ये सारे प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हुआ उसमें आता है आजकल कोई कोई माइक्रोब जो है वो, या बहुत सारे ड्रग्स का यूज, किडनी फेल हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है। बेटा अगर खुदा ना खास्ता वैसे बात करूं, जनरल बुक में लिखी भी है, अगर ब्लड प्रेशर और एनीमिया और बहुत सारे काजेज जो है वो उसका बायस बन सकता है, यानी वो काज कर सकता है। तो बेटा ये सारा हो गया रिलेटेड टू दिस वन। अब एक छोटा सा पॉइंट समझाऊंगा, अगर किडनी स्टोन बन जाए तो उसका हल क्या है। सर्जिकली भी किडनी रिमूव किए जाते हैं, बट नाउ टुडे लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो रिमूव किया जाता है, उसमें बेटा हम बात करते हैं। एक टर्म है जो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके। अब हम बात करेंगे टू मार्क्स की आ सकती है लिथोट्रिप्सी, जी लिथोट्रिप्सी क्या है, बहुत आसान है। लिथोट्रिप्सी इज अ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। टेक्निक है जिसमें सर्जरी के बगैर डिवाइसेस से एक्सरेज बम्बार्ड की जाती हैं और जो स्टोन होते हैं उनको तोड़ा जाता है, दिस इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, ओके, रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी।
जैसे क्या होता है लिथो ट्रिप्टन का इस्तेमाल करते हैं, लिथो डिवाइस होती है, लिथो ट्रिप्टन डिवाइस होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे किडनी होते हैं ना लोअर रीजन में, बताया था मैंने डोर्सल साइड भी, ट्रिप्टन डिवाइस ऐसे रख के ना उसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक दिया जाता है, वो जो वेव्स होती है वो स्टोन को ब्रेक करती है टू सैंड पार्टिकल, देन वो ऐसे सीरियल मेडिसिन दी जाती है उस पेशेंट को, ऐसे ऐसे वो सैंड पार्टिकल यूरिन में जो है निकलते रहते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा पानी पिए, ठीक है ना, जूसी का इस्तेमाल करें, लेमन टाइप जो पानी होता है उसके थ्रू यूज करें ताकि वो जो सैंड पार्टिकल है वो यूरिन के अंदर पास कर जाए। तो बेटा ये हो गया लिथोट्रिप्टन के हवाले से। अब तो हमने बात की किडनी फेल हो जाती है तो उसका हल क्या है, एक टेम्परेरी बेटा ट्रीटमेंट होती है, इसे बोलते हैं डायलिसिस, याद रखिएगा जो डायलिसिस है ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट होती है, 2 साल 4 साल 6 साल 8 10 साल डिपेंड करता है उस पेशेंट के नेचर पर। बेटा अभी हम बात करेंगे अबाउट डायलिसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग का पार्ट बन सकता है क्वेश्चन का और शॉर्ट भी 2 मार्क्स का ये आ सकता है, ठीक है जी। अभी लास्ट हमारा टॉपिक है ये, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस जो है वो 2 टाइप्स के, ठीक है, पहला है हीमोडायलिसिस, दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, और एक और पॉइंट दू, एंड स्टेज डायलिसिस जिसको बोलते हैं यूरीमिया। अच्छा बेटा ये समझाना है मुझे, डायग्राम जरा बनानी है, ठीक है, ये देखिएगा ऐसे चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उस चैम्बर में यहाँ से ब्लड को सेंड करते हैं, मतलब यहाँ पर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यहां से इंसान की जो मतलब जिसको डायलिसिस जिसका कराया जाता है एक डायग्राम वो बना दूं, ठीक है, फिर बात करते हैं। ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक बनाया है, ये मैंने बनाया स्टोमक, ठीक है, और ये हमारी जो बैली है बैली के लिए, ठीक है, और यहां पर कैपिटल होती है, ठीक है, इधर भी, यहाँ पर बाहर की तरफ पेट के बाहर ना इधर कट लगा के गए थे कनोला, ठीक है, उसमें एक विषय लिख के देते हैं, एक विषय ऐड के देते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। जी बेटा समझिएगा, बहुत इजी है, बस 4-5 लगेंगे। ओके, डायलिसिस का मतलब क्या है, डायलिसिस इज सेपरेशन। इस डायलिसिस मेथड में हम क्या करते हैं, ये सेपरेट क्या जो ब्लड में मॉलिक्यूल्स है यूरिया एंड यूरिक एसिड, उनको हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि
आपको बताया भी मैंने, अगर यूरिया लेवल बढ़ जाए ब्लड में तो डैट कैन काज सो मेनी प्रॉब्लम्स। इसलिए ये बता दूं, जो लोग डायलिसिस के पेशेंट होते हैं ना, उनको दो तरह के मेथड से उनका गुर्दे वाश जिसे कहते हैं होते हैं, ठीक है। और ये भी आज ही ट्रीटमेंट बता चुका हूँ मैं, 2 साल बाद 4 साल बाद बहुत बुरा हाल होता है, या 8 साल, डिपेंड करता है ना वो कितना ख्याल रखता है पेशेंट अपना। और ये बेटा जो प्रोसेस है समझिएगा, ज़रा इतना खर्चा भी होता है, इन दोनों के ऐसी में हर वीक ही जाना पड़ा तकरीबन, कभी दो दफा फिर जाना पड़ता हो, एक वीक में एक दफा जाना पड़ता है, और 5-5.5 लाख का खर्चा होता है ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और 3-4 घंटे लगते हैं इसको प्रोसेस होने में, उसके बाद तबीयत खराब ही हो जाती है। बट खुदा पाक हमेशा आपको मुझे महफूज रखे, आमीन। बट ओके जी बेटा, पहला मेथड है हीमो डायलिसिस। हीमो डायलिसिस का एक और नाम भी है, दैट इज आर्टीरियल ब्लड डायलिसिस, ठीक है बेटा। हीमोडायलिसिस में बेटा क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड साफ किया जाता है, इसको आर्टीरियल ब्लड डायलिसिस कहा जाता है बेटा। बेटा ये एक मशीन से होती है, ठीक है, ये रखिएगा, एक डिवाइस से होती है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये जो डिवाइस है इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, इसे बोलते हैं स्टेराइल टैंक। इस बेटा टैंक के अंदर फ्लूड भरा होता है, इस फ्लूड में यूरिया, यूरिक एसिड की ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है ना, ठीक है। इसके अंदर बेटा जो भरते हैं उसे बोलते हैं डायलिसिस फ्लूड या स्टेराइल टैंक। ये जो पूरा चैम्बर है इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, इसे बोलते हैं स्टेराइल टैंक। इस बेटा क्या होता है, जो बंदा जिसका जिस गुर्दे साफ करने होते हैं उसके बाजू से आर्टरी से, ठीक है, सारा लगा के कन्नूल वगैरह लगा के, सारा कैथेटर ट्यूब लगा के ना उस ब्लड को आगे लगा दिया जाता है मशीन के अंदर। इस मशीन से उस बंदे का ब्लड गुजरता है। इस मशीन के अंदर एक सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है जो कि आम मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और वो उस ब्लड में से मेम्ब्रेन जो है सारा यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह और जो एक्स्ट्रा चीजें होती है एक्सेस में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सारा इन जगह पे आ जाता है। तो यहाँ से वो साथ साथ इसको जो डायलिसेट है जो वेस्ट के तौर पर होगा उसको निकाल लेते हैं, और जब बेटा ये सारा साफ होकर यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ से ना अगले पोर्शन पे फिर इन दोनों पॉइंट्स पे इधर भी और इधर भी लगे होते हैं रेगुलेटर ना, तो बेटा उसके बाद यहाँ से दोबारा उस शख्स के जो दूसरे इंजेक्शन जो कैनोला टाइप जो भी कैचेस लगाते हैं वो वेन में लगाते हैं, और वेन सर वेन के ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में, फिर साफ खून जो है वो हार्ट में जाता है। तो यहाँ से ना उस बंदे की इस जगह से जब ब्लड गुजरता है ना तो सारा एक्स्ट्रा जो यूरिया है जो काम किडनी नहीं करना होता है वो काम ये मशीन कर रही होती है, ब्लड में से वो जो वेस्ट होता है उसको निकाल के निकाल देती है, और 3-4 घंटे 3.5-4 घंटे और ये पूरा प्रोसेस होता है। और ज़रा ये फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेट भी ना होता है, तंग भी पड़ता है, इसके बाद तबीयत खराब भी हो जाती है, बीपी का भी मसला हो जाता है, छोटा मोटा फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये बेटा जो प्रोसेस है बता दिया, ये 5-5.5 लाख अभी इस वक्त खर्चा आ रहा है इसका, हफ्ते में एक दफा जाना पड़ता है। तो ये बेटा सारा है हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब है पेरिटोनियल डायलिसिस। बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस घर पर भी हो सकता है बेटा। ये देखो ये जो हमारी बैली है ना, ये पेट पेट के लिए बैली और जो स्टमक अंदर है इसके दरमियान में स्पेस है। ये देखिए पेट, ये बैली और ये जो स्टमक के दरमियान में स्पेस है इसे बोलते हैं पेरिटोनियम बेटा, इसे बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं बेटा। इसके अंदर ना होती है रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहाँ कैपिलरीज का जाल बिछा होता है बेटा। यहाँ पर हल्का सा इंसिजन देके कट लगा के ना, ठीक है ना, तो वो वही फ्लूइड ये वाला जिसकी कंसंट्रेशन ये थी वही फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लगा के कैनूला, दो ट्यूब्स होती हैं, एक ट्यूब से इंजेक्ट करते हैं एक से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा के इंजेक्ट करते हैं, जब वो जाता है ना फ्लूइड सारा इस स्टेज के अंदर, तो जरा यहाँ कैपिलरीज है, उन ब्लड है, वो ब्लड साफ तो नहीं हुआ उस बंदे का, तो बेटा उस ब्लड के ब्लड में से यूरिया जो चीजें हैं ना यूरिक एसिड वो सारा इस स्पेस में आ जाते हैं, उस फ्लूड के अंदर आ जाते हैं, उस फ्लूड को दूसरी ट्यूब से उसको सक करते हैं और साथ साथ निकालते रहते हैं। तो इससे किसी बेटा क्या होता है, ये घर पर भी हो सकते हैं, ये पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसमें भी ये दूसरा तरीका है, आर्टरी तरीका है, इसमें भी हम ब्लड को साफ प्यूरीफाई कर सकते हैं, इसे बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसका एक और नाम भी है बॉडी कैविटी डायलिसिस, इसको ये बॉडी कैविटी कहलाती है, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी डायलिसिस। मैंने कहा टेम्परेरी इलाज है, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल डिपेंड करता है, जब डायलिसिस भी जवाब दे दे उस एंड स्टेज को बोलते हैं एंड स्टेज डायलिसिस। फिर इसका हल क्या है, द परमानेंट सोल्यूशन अगर हो जाए दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की बेटा जरूरी है
बहुत क्लोज रिलेटिव हो उसके लिए भी, फिर ब्लड मैचिंग होती है, ठीक है ना, जो डोनर देता है उसका फिर रिसिपिएंट का ब्लड मैच होता है, पूरे टेस्ट होते हैं, ठीक है बेटा, इसके बारे में थोड़ा समझा दूं। फिर वो अगर मैचिंग मैक्सिमम हो जाए तो फिर वो टाइम डिसाइड करते डॉक्टर, फिर वो जो है ना फर्ज किया। अगर बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर एक गुर्दा काम ना करे फिर तो मसला कोई नहीं, दोनों गुर्दे जब खराब हो तब ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, तभी होता है, एक गुर्दे से काम चल जाता है। और जब बेटा गुर्दे ट्रांसप्लांट होते हैं उस वक्त भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो देता है ना गुर्दा उसको तो 15 से 1 माह तो काफी आराम करना पड़ता है ना, और जो लेता है जरा उसको ज्यादा खतरा होता है, उसको 15 दिन महीना तो काफी केयर करनी पड़ती है, फिर उसको 3 माह तक बहुत केयर करनी पड़ती है। और उसमें ना जिसके जिसको लगाया जाता है उसको उसका अम्यून सिस्टम बहुत वीक किया जाता है, ताकि जो किडनी ट्रांसप्लांट जो टिश्यू गया है उस पर अटैक ना हो जाए, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो फिर परमानेंट सोल्यूशन होता है, ठीक है, और ये काफी महंगा भी है। उसमें जो किडनी ट्रांसप्लांट आजकल जो ले रहे हैं प्राइवेट में 7-8 लाख रुपया डॉक्टर लेते हैं, उसमें बाकी खर्चे 10 लाख खर्चा हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा, आई होप कि आपको सारा समझ आ गया। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू, टेक केयर।